नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग का इस साल आयोजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चुने गए खिलाड़ियों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के पहले सप्ताह में यूएई पहुंच भी जाएं तो उनके खेलने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 4 से 16 सितंबर तक सीमित ओवरों के 6 मैच खेले जाने हैं। ये मुकाबले साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में खेले जाने हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दौरे पर 4, 6 और 8 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एजिस बाउल में 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी, जबकि 11, 13 और 16 सितंबर को ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के खेलने वाले आईपीएल खिलाड़ी 17 या 18 सितंबर को यूएई पहुंच सकते हैं और आईपीएल के एसओपी के तहत उन्हें 6 दिन क्वारंटाइन में भी गुजारनी होगी। इस दौरान उन्हें पहले, तीसरे और छठे दिन कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। तीनों जांच में नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें टीम से जुड़ने की अनुमति हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी खिलाड़ी अपनी संबंधित फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम पहले 2 या 3 मैचों में उपलब्ध नहीं होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुल 29 खिलाड़ी 8 आईपीएल टीमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स, जोफ राच, स्टीव स्मिथ और इस साल रिकॉर्ड रकम हासिल करने वाले पैट कमिंस भी शामिल हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान रॉयल्स को होगा, जिसे बटलर, स्मिथ और आर्चर जैसे खिलाड़ियों के बिना शुरुआत के मैच खेलने होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।